बनाने के लिए चाहिए 1 लीटर दूध छलने के लिए, 1 लीटर दूध रबड़ी के लिए, 10 से 15 पिस्ता बारीक कटे हुए, इलायची का पाउडर, केसर दूध में भिगा हुआ, 2 चम्मच विनेगर, 2 चम्मच पानी के साथ, 1 ग्लास चीनी, 5 ग्लास पानी चाशनी के लिए। हमने यहाँ दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है। देखिए दूध में कलका आ गया है। अब इसमें हम मिलाएंगे कुछ पिस्ता। इलायची जो मैंने 3 का पाउडर बना के रखा हुआ है, और एक केसर जो दूध में भिगो के रखा हुआ है। अब ये छन्ना वाला दूध भी गर्म हो चुका है। गर्म होने के बाद थोड़ा ठंडा होने दीजिए 5 मिनट के लिए, जो हम हाथ लगा के देख सके। अब इसमें हम विनेगर मिलाएंगे। विनेगर एक साथ में नहीं मिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके मिलाना है, और हिलाते जाइए जैसे जैसे मिलाते हो। देखिए अभी दूध छन्ना बनने लग गया है, पानी अलग हो गया है। अब इसको हम छानेंगे, और इसके साथ साथ दूध को, रबड़ी के लिए जो दूध बना रहे हैं उसको हिलाते रहिए बार बार। अब इसको हम छानेंगे। अब इस छने को हम पानी से धोएंगे ताकि इसमें कुछ भी थोड़ा खटास कुछ रह जाता है तो वो निकल जाएगा और छना एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए मैं ठंडा पानी डाल के धो रही हूँ इसको। पानी पूरा निकाल देंगे इसका। पानी निकाल के इसे आधा घंटे के लिए बांध के रख दीजिए ताकि इसका पूरा पानी निकल जाए। देखिए अभी अपना दूध रड़के आधा हो चुका है, केसर का कलर भी आ गया है। अगर आप लोगों को और कलर चाहिए तो मीठा कलर मिला सकते हो, डायरेक्ट मत मिलाना, थोड़ा पानी में मिला के मिलाना। और चीनी, अभी मैं चीनी इसमें ऐड कर रही हूँ। चीनी अपने स्वाद अनुसार ऐड कर लेना, जो कम खाते कम मिला लो, ज्यादा खाए तो ज्यादा मिला लो। चीनी मिला के कलका आना के फिर ठंडा करके फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दीजिए। हम चाशनी रेडी कर लेते हैं। ये मैंने 5 ग्लास पानी लिया है, 1 ग्लास चीनी है, यही नाप के 5 ग्लास पानी लेना है। और ये चीनी घुल जाए जब तक इसको हिलाते रहिए गैस ऑन करके। आधा घंटा हो चुका है, अपना छना तैयार हो चुका है। अब इसको हम अच्छी तरह से मटाएंगे। 4 से 5 मिनट तक मटाना है इसको, एकदम क्रीमी टेक्सचर में हो जाएगा पूरा, तब तक मटाते जाना है। 4 से 5 मिनट के ऊपर भी मटा सकते हैं, लेकिन ज्यादा देर तक भी नहीं मटाना है। देखिए अब गूंथने के बाद एकदम क्रीमी टेक्सचर जैसे बन गया है। अब इसके हम छोटे छोटे गोले बनाएंगे, लेके दोनों हाथों से हल्के से दबाते हुए। ये देखिए हमारे बॉल बन गए हैं। ऐसे ही बाकी सारे भी बनाना है। साइज आपको जो चाहिए वो साइज आप बना सकते हो। हमारी रबड़ी तैयार है, फिक्स हो गई है, और इसको ठंडा कर दिया है। अब हम इसमें डालेंगे छना।
छना इस प्रकार से डालना है, इसको एक एक करके चम्मच में लेना है और हल्के से पानी निकालना है इसके अंदर से, हल्के से पानी निकाल के इसके अंदर डाल देना है। ऐसे ही सब हर एक का पानी निकाल के जितने भी है सब इसके अंदर डाल देंगे। सबको हमने इस दूध के अंदर डाल दिया है रबड़ी के अंदर। अब इसको सेट होने के लिए कम से कम 4 घंटा फ्रिज में रखना चाहिए, 6 घंटा रखो तो और भी अच्छा रहेगा, कम से कम लेकिन 4 घंटा रखे। अब हम इसको फ्रिज में रख रहे हैं, 4 घंटा बाद हम वापस देखेंगे।